कांग्रेस का सत्याग्रह लगातार जारी है। दिग्गज नेता यहां पर पहुंच चुके हैं और इस घटना के बाद जो आक्रोश है वो साफ रूप से देश के अलग अलग जगहों में देखा गया था और लगातार मांग की जा रही थी कि हाथरस की पीड़िता के साथ न्याय हो। न्याय के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता हाथरस भी पहुंचे थे और बीच में जो घटनाक्रम हुआ यहाँ पर उस पर भी चर्चा हो रही थी। नितिन जी यहाँ पर पहुंचे हैं, न्याय कब मिलेगा? जानता है क्योंकि योगी जी के शासन में देखा जाए तो ऐसा देश में नहीं विश्व में पहली बार हुआ होगा कि पीड़ित बेटी जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, जिसका बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हुई और बाद में 2:30 बजे जिसका अंतिम संस्कार बिना परिवार के किया गया, उस परिवार का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। ये दुर्भाग्य है देश का और एक बहुत शर्मनाक बात है। और नैतिकता के आधार पर मैं योगी आदित्यनाथ जो हैं उनको कहूंगा कि वो रिजाइन करें, डीएम को हटाने से, एसआईटी के गठन करने से, सॉरी एसपी को हटाने से, थानेदार को सस्पेंड करने से इस बात का समाधान नहीं होगा। इसके दोषी वे खुद हैं और